देश भर में अयोध्या की गूंज है, लगातार हिंदुत्व की बात हो रही है, हर जगह भगवा ही भगवा नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी एक अलग ही सपना देख रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री को जानने का दावा करते हैं वो भी सपने से महरूम है। इस सपने की एक झलकी दिल्ली में दिखी, बल्कि यूं कहें कि प्रधानमंत्री आवास में दिखी। मुस्लिम ट्रस्टों के नेता मुस्लिम समुदाय के गुरु पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, या यूं कहें कि इन्हें बुलाया गया। मोदी जी से मिलने के बाद मैंने जो उनके मन की बात जानी, तो वो चाहते हैं कि विदेशों के जो लोग हैं इस देश में आए और इस देश में पर्यटन को कैसा बढ़ावा मिले। तो वो चाहते हैं कि अगर मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो अरब देश में सारे मुसलमान बहुत ज़्यादा है, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो मुस्लिम कंट्री बहुत ज़्यादा है। तो चाहते हैं, और यहाँ पे भी इंडिया में अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड फेमस दरगाह है, जिस इन दरगाहों का पूरे वर्ल्ड में नाम है, जैसा हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हो गए, उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ हो गए, या कलियर शरीफ साबिर पिया पाक, उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया हो गए। नागपुर ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान भी उसी डेलीगेशन में मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि 45 मिनट प्रधानमंत्री से बात हुई। पीएम ने अपनी मंशा व्यक्त करते हुए सभी को बताया कि वो देश में सूफी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप सभी काम करें, हिंदुस्तान की सभी बड़ी दरगाहों को दिव्य और भव्य बनाएं, सूफी कॉरिडोर के माध्यम से आपस में जोड़े, सब में कनेक्टिविटी बढ़ाएं, जिससे देश के साथ साथ विदेशी मुसलमान भी भारत आए और भारत में तीर्थ जैसा अनुभव करें। प्रधानमंत्री ये सपना जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, इतना जल्दी कि उस डेलीगेशन के साथ जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गई थी, उन्होंने इन नेताओं से कहा कि आप तुरंत प्रपोजल बनाएं, हम इसको आने वाले 3 महीने में ही पास करके आपको पैसे देते हैं। नहीं, इसमें स्मृति ईरानी जी ने तो मुझे कहा कि आप जल्दी प्रपोजल भेजो, अभी अगर जल्दी से प्रपोजल आ गया तो मैं अभी विद इन 3 मंथ्स इसके लिए पैसे दे सकती हूँ, जो भी मेरे पास है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे मुस्लिम समाज के लिए और हमारे देश के लिए, कि उन्होंने इतने कम समय में बोला। नहीं तो जनरली क्या होता है कि ये सब चीज़ों में इतना समय चला जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो इतने एग्रेसिव थे कि भाई आप काम करिए, हम आपके पीछे। खास बात ये है कि पीएम मोदी जो सूफी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं उसका इतिहास काफी सुनहरा है, और ये एकता की मिसाल भी कायम करता है। आमतौर पर हिंदू मंदिर जाता है, मुस्लिम मस्जिद जाता है, ईसाई चर्च जाता है, वहीं सिख गुरुद्वारे जाता है, लेकिन दरगाह में लगभग हर समुदाय के लोग पहुंच जाते हैं, जो भारत जैसे देश में एकता और भाईचारे को कायम करता है। अब अगर जल्द ही देश में अलग अलग मुस्लिम नेता इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देश के जितने भी दरगाह हैं उनका कायाकल्प होगा, और देश के साथ साथ विदेश से भी पर्यटक आएंगे, और डॉलर दिनार के सहारे भारत की अर्थव्यवस्था चमकेगी। तभी तो कहते हैं प्रधानमंत्री कभी छोटा नहीं सोचते, और उन्होंने सपना देखा है तो गारंटी भी देंगे। फिर रिपोर्ट।